चंडीगढ़ है मित्रा, चंडीगढ़ कहते पत्थर का शहर है, लोग पत्थर के दिलों बसते हैं। तो चलो, शौक का मुल होना चाहिए ना। तो जे असी हुणे तो इन्हों आ चीज़ा सिखावे पग्गां बन्ननियां, तां इह आउण वाले टाइम च किन्नी घैंट बन्नणगे, ये तो तुसीं आप ही अंदाजा ला लो। ते अरमान पग खुद बन्नदा है ना अरमान? ते ये काटो देख रही है। अच्छा, पापा ने सिखाई है? झूठ बोल दी है? आपे सीखा? बीजी सिखाया? हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं जसप्रीत सिंह, थोड़ा सारे का स्वागत है मेरे चैनल दे विच। ते अरमान पग बननी ये बन लैंदा, बिना शीशियां तो भी बन लैंदा इहदा, क्योंकि जे ये हुणे सीखूगा तां ताही अगे जाके होर दू घैंट बननी सीख लूगा ना। ते अज बाहर मीं पई जांदा, आपां बाहर चलदे आं चंडीगढ़ साइड, तुहानूं घुमा के लिआउने आ। एक अलग जिही नज़ारा देखण नूं मिलिआ ना, बच्चे नहाई जांदे गे उत्थे बैठे, ते बाहर मीह पै रहा। मैं चलिया दुकान ते, वैसे तो नहाते जाना सी, मेरे को समान हैगा उत्तेरी नूं फिसली ना जा, दो तीन छतरी लैके बाहर दे नज़ारे है ना। वैसे तो मीह च भिजते जाना चाहिए ना, पर मेरे को आ समान ये मैं दे के आना है ता करके। ते हरियाली खेतों वाली, उतों की मीह का मौसम आती कराया बैठा है ना, एकदम ही तेज आ गया मीह जा। घर दे गए थे वह भिज गए, उन्होंने हम समान दे के आना, कपड़े वगैरह उन्होंने। लो जी, आप भी थार बुक कराती थी ना, वो आ गई है किसानी एकता का झंडा, नवी थार ले ली आप भी, बरहाले लोगों के नाम से ही आ। शाही गड्डियां तो मरुतियां ने, हुण मरुती याद आती है ना इस मीह के मौसम के, इधर काम चली जाता मीह करके रुकया वा, बड़ा औखा भाई लोगों के घर जो पाते हैं ना, सानू पता आ शाही गड्डियां। अज एहसास हो रहा कि बड़े लंबे कद का भी कोई फायदा नहीं ना, छतरी छोटी रह गई, अज भिजता ही जा रहा मैं, छतरी ले दा कोई फायदा नहीं। चलो, जरूरी जाना पैना सी, कॉर्नर ते अपनी दुकान वर्कशॉप, गड्डी खोल के खलारे पाए पे आ। अज सर्विस स्टेशन तो उ नहीं चलाने की लड़ पै रही, अब मीह रब नहीं पता रब का फल है। आ कर वा हाल ए गड्डी साड़ी का, धोन वाली हो गई बन गई गड्डी, हम देखी नवी गली तो पी है हेठ यार मिस्त्री, इदा ही ले जा हूं अपने अपनी गड्डी ना पूरी खोल के साफ करनी सी, उस तों पै गया मीह, ते मीह करके हुण रुकना पैना इहदा है ना, सीटा सुटा आईयां साफ करन वालियां सीगियां सारियां। ते आपां चंडीगढ़ वाले पासे चलिया, मीह पूरा दब के जोरां नाल पै रहा, ते मौसम इन्ना वधिया लग रहा ना, जे कोई समान ना लैके जाना हो बंदा भिउ भिजदा जाए, नज़ारे वाला दार। चले हूँ धुंधला जहा देखना थोनू ये विचों दी, क्योंकि शीशा सामने दी साफ इन्ना है नहीं गा जिन्ना होना चाहिए है ना। पूरा पूरा मीह अजे घट तो ज्यादा नहीं लेके आया मैं, बोले लानी मैं थोड़ा ध्यान ना चलना पैना है, जाके घर दया तो उधारा मंगा है ना, क्योंकि यदी हैगी है सख्ताई भी है, फिर एवं सख्ताई के चक्कर आपकी जान कानू गवानी है ज कुछ भी इदा का गल ना करो जिद। असी
किसी चीज़ के गुनाहगार बनीए जा है ना, तो चलो खैर लेना ही पैना है, जाके रुमाल ले लेंगे उत्थे जाके। तो कुड्डा ले कुड्डा लाहौरा आ चुके है, कुड्डा लाहौर के भी नहीं तो इन्ना रश हों के इतने तुम मीह करके भी थोड़ा जहा घटे पै। जरूरी दुकाना तो यह खुलनिया ही खुलनिया ने। पी जी आई का एरिए पहुँच चुके हैं आप, इधरले पासे ना छोटिया दुकाना लगदिया है, चलो कुछ का किसी ने कुछ ना कुछ तो करना ही होंगे है ना। ये आ पी जी आई, तो लोग जिमें हो सके जाने की कोशिश कर रहे हैं मीह भिज के। इधर देख लो बस स्टॉपेज से खड़े है लोग, बसा की वेट करते हुए, जगह घट होने करके एको जगह पर ज़्यादा घेरा पै रखा गा, तो लाइटा हो चुकी स्टॉप करना पैना हूँ। आपे पीजे के ना लंगर लाते हैं लोग, कोई संस्था आ गई पूरी इतने जबरदस्त लोड़वंदा वास्ते लंगर भी लाते हैं लोग, तो आपकी दान शरदा अनुसार उन्होंने दे देंगे है कि जो भी है जिन्हें भी जिन्ना अपनी शरदा अनुसार भेटा करनी होंगी है। इतने तुम पढ़ ही सकते हो कि चौंक हैगा ये 10, 16, 11, 15 वाला, लाइटा का खास ध्यान रखना पैंता इतने, लाइटा फेर हो चुकी पहला दो लाइटा भुगते आए हैं पी जी चौंक वाली, तो हूँ फिर हाँ सोलह वाला होस्पिटल है इधर दिखना नहीं है, मैं थोड़ा शीशा डाउन नहीं किया हुआ वा, सरकारी गौरमेंट होस्पिटल है, तो आप जाना 9 सैक्टर के बच्च। चौंकी गड्डी नंबर देख लो, ये मेरे एरिए की गड्डी आ PV03 बठिंडे की, तो नंबर भी 0003 लिता हुआ, ये इदा शौक है ना। पुलिस ना मीह च भी पूरी मुस्तैद खड़ी है क्योंकि चौंक बड़ा जनमार्ग आ चुका है, तो तेल पाड़ी है गड्डी च। हाँ हाँ पा दे यार, बस मीटर सही है, केड़ा तेल आता है ये 97-98 रुपये होया है ना, लो जी तेल पै चुका, तो बाहर का मौसम पेट्रोल पंप से भी 10 सैक्टर का पंप है ये, बाई ने तेल पाना। हूँ थोड़ा जहा मीह घटिया गया तो आप 10 सैक्टर के है, 10 सैक्टर का ये समॉल चौंक VIP चौंक वजदा है, ओ सॉरी VIP सैक्टर वजदा है, पता क्यों, क्योंकि इतने जो सब तो मशहूर है ना आ होटल है, तो यदि VIP मार्केट एक होटल है जी इतने माउंट व्यू टेबला, ये बस ये करके है, तो एक हर एक इतने ब्रांड बड़े शोरूम्स के ब्रांड ज़्यादा इतने। शाम दे 10 सैक्टर है ना गेड़ी रूट वास्ते आ, 8 हो 9 हो 10 हो 7 हो ये सारे गेड़ी रूट वास्ते आ, तो आप भी मास्क का इंतजाम कर लिया, माल ले लिया 11 सैक्टर चलिया गए, बुलट मेरा घर खड़ा अज कटूंगा कुछ भी, तेल पाने बाद आप निकल चलिया गए 10 सैक्टर के बिचों की होंगे हुए, आप रोडो रोड चलना हूँ, पहला भी रोड से ही कह मतलब अंदर वाले रोडों से नहीं जाना है चंडीगढ़ के, ये टेबल टैनिस का ग्राउंड है इधरली साइड, ये 11 सैक्टर वजदा, तो हम आप वापस 16 वाले चौंक से जाना है ना। मीह नूं घट्टो घट 2 घंटे हो गए पेंद्या नूं, रुकने का ना नहीं लै रहा, मुच्छा ताड़ के नहीं मुच्छा चाड़ के वैलियां नूं, इन्नी बारिश के बाहर निकलना औखा ही है, जे गड्डी है तो ठीक है नहीं तो वरना बैठे रहो है ना घरे, तो वो लाइट हो गई पतंदरा पहले ही नहीं भजाया, ओए 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 मर गए होए, चल कोई टोक दे चलते चलते भला पता नहीं किन्ने 10-20 रुपये घंटे लगते हैं, तो लाइटा ही लाइटा बस लाइटा का ही मुल है इतने चंडीगढ़ च। लो जी रब दे रंग न्यारे ही है ना, एक टाइम तो मीह दा जूरा पूरा जोर सी, हुण पूरी धुप निकली हुई है नाल मीह भी पई जांदा हल्का हल्का, तो लाइटा हुई फिर आप लाइटा दे खड़ गए हैं, तो वो देखो धुप की रोशनी शीशे से पै रही है, तो अपने देसी पिंडा दे विच यही कहिंदे हुंदे ना कि जिदन मीह पै जाए तो उदन धुप निकल आवे, कहिंदे गिदड़ गिदड़ी का विआह हो रहा ना, हुण इहदा पता नहीं अज तक पता नहीं लग्या भी हुंदा कित्थे पिया मीह च चलो
ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਰੱਖੋ ਯਾਦ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਦੜ ਗਿੱਦੜੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਗਿੱਦੜ ਗਿੱਦੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੀਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਥਾਰ ਆਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਲਰ ਆ। ਰੂਬੀਕੋਨ ਜੀਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਪ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਜੀਪ ਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਆ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਪੂਰਾ ਰੱਜ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਰੱਜ ਕੇ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਲੈ ਦੱਸ 5 ਅਗਸਤ ਪੂਰੇ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੁੱਢਾ ਲਾਹੌਰਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਪਕਦੀ ਪਈ ਆ ਹੁਣ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੂ ਉੱਨੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਭੜਾਸ ਵਧੀ ਆ ਗਰਮੀ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹਰਿਆਲੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਰੋਡ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਘਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਓ, ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਪਰ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਰੈਗੂਲਰ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਡੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੇਰਾ ਯੂਟਿਊਬ 'ਚ ਸੇਵ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਲਾਂ ਉਕਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੁਝ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਊਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੇਵ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਲਾਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਸੇਵ ਰਹੇ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਨਪੁਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬੈਰੀਅਰ ਮੁੱਲਾਪੁਰ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।